वीडियो आई एम गोइंग टू प्ले एकिनेटर। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये एकिनेटर क्या बना है तो मैं हूं ना, मैं आपको बता देती हूँ क्या है ये चीज। तो एकिनेटर बेसिकली एक गेम है जो आपके माइंड को रीड कर सकता है, लाइक किसके बारे में सोच रहे हो वो बता सकता है, किस ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो या किसी मूवी के बारे में सोच रहे हो, जो सोच रहे हो बता सकता है एकिनेटर। तो होता क्या है बेसिकली इस गेम में, आपसे की जो एकिनेटर जी हैं वो कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बेसिस पे ये आंसर्स देगा। तो मैंने अभी तक ये एकिनेटर वगैरह कुछ खेला नहीं है। मुझे इंस्टाग्राम पे बड़े रिक्वेस्ट आए थे कि रिक्वेस्ट नहीं, इन लोगों ने डीएम्स भेजे थे कि यार प्रगति तेरे को एकिनेटर जानता है। मैंने कहा यार ये है क्या एकिनेटर, तो मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है इस एकिनेटर के बारे में, तो मैंने सोचा यार चलो खेलते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चैलेंज मी, ओके यार रीड योर माइंड, हाँ देखते हैं, लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इज योर कैरेक्टर अ फीमेल। देख के तो वही लगता है, मतलब मैं आपके नजरिए से आंसर दे रही हूँ कि आप क्या सोचते हो, आपको कितना मेरे बारे में पता है, आप उसके बेसिस पे आंसर दोगे तो आपको तो यही लगता होगा कि मैं एक फीमेल हूँ। तो यस। डज योर कैरेक्टर प्ले इन हैरी पॉटर? नहीं भाई, नो। डज योर कैरेक्टर पर्सनली नो यू? तो मैं आपको पर्सनली तो जानती नहीं हूँगी तो मैं यहाँ पे नो आंसर करने वाली हूँ। इज योर कैरेक्टर मैरिड? अबे साले। आपको लगता है कि मेरी शादी हुई होगी? नहीं ना, नहीं मैंने अपनी शादी की तस्वीर YouTube पे शेयर की है तो नो लिख देते हैं। इज योर कैरेक्टर इंडियन? हाँ भाई, भारतीय नारी हूँ मैं तो यस कर देते हैं। इज योर कैरेक्टर फेमस बिकॉज ऑफ YouTube? ओके, तो सबको पता है मैं थोड़ी फेमस तो नहीं, मतलब जितने लोग मुझे जानते हैं वो YouTube की वजह से जानते हैं, तो यस। डज योर कैरेक्टर मेक कॉमेडी वीडियोज? आपको क्या लगता है मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ? एक दो मैंने बनाया है तो प्रोबेबली कर देती हूँ यार, यस कर देती हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने बनाया है। हैज योर कैरेक्टर एक्टेड इन हिंदी सीरियल्स? धम धम धना धेना? नहीं भाई, मेरी इतनी वो नहीं है तो मैंने एक्टिंग वगैरह नहीं की है हिंदी सीरियल्स में, तो हम लोग लिखेंगे इसमें नो। डज योर कैरेक्टर हैव शॉर्ट हेयर? शॉर्ट तो नहीं है बट मैं क्या लिखूं, तो प्रोबेबली कर देती हूँ यार क्योंकि मीडियम है। डज योर कैरेक्टर वियर क्लोथ्स? नहीं भाई, मैं तो कपड़े पहनती ही नहीं हूँ, मैं तो जाके आदिवासियों की तरह जंगल अलग हूँ करती हूँ, जंगल में है, मतलब क्या ही क्वेश्चन है यार। यस। डज योर कैरेक्टर गो टू स्कूल? तो इसका आंसर मैं क्या लिखूं, यस कर देती हूँ क्योंकि 12th अभी पूरी तरीके से मेरा कम्प्लीट तो हुआ नहीं है, तो यस। इज योर कैरेक्टर बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 26? जी हाँ, मेरी एज 15 और 26 के बीच में ही है, क्या है अगर आपको पता है तो वो कमेंट करके बता देना। सो यस। इज योर कैरेक्टर इन अ टीम ऑफ टू? नहीं, मैं तो अकेली वीडियोस बनाती हूँ ना। इज योर कैरेक्टर डेड? मतलब क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, क्या क्वेश्चन है इस एकिनेटर का, और इसका मुंह देख रहे हो ऐसा, ये क्या क्वेश्चन है यार भाई, सही सलामत मैं जिंदा आपके सामने हूँ और इसको लग रहा है मैं मर चुकी हूँ। मैं जिंदा हूँ, ये देखो ये जिंदा है। डज योर कैरेक्टर वर्क अलोन? हाँ यार, तो यस। इज योर कैरेक्टर अ गेमर? आपको शक्ल देख के लगता है कि मैं गेमर हूँगी, आपको लगता है? तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपके नजरिए से पूछे जा रहे हैं, तो आपके नजरिए से मैं गेमर तो हूँ नहीं। और फैक्ट गाइस, मैंने आज तक अपने मोबाइल में पबजी डाउनलोड नहीं किया है। तो इज योर कैरेक्टर अ गेमर? नो। डज योर कैरेक्टर हैव अ डॉग? तो भाई साहब मेरे पास डॉग तो है, डॉग है, मुझे लग रहा है अभी मुझे पहचान जाएगा शायद, बट लेट्स सी। मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा एक्चुअली कि यार एकिनेटर ने तुम्हें पहचान लिया, तो इसका आंसर है यस। ओके। डज योर कैरेक्टर हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर? तो भाई मेरे पास एक भाई भी और बहन भी है तो यस कर देते हैं इसका आंसर। डज योर कैरेक्टर डू क्रेजी चैलेंजेस? तो हाँ करती हूँ यार कभी कभी, तो यस। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, सो यस। आया है कि नहीं आया? ओह शिट, आ गया गाइस, आ गया प्रगति वर्मा। ओए यार कैसा गेम है तू, इस मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि मेरे अलावा और
और भी तो इंडिया में टीनेज यूट्यूबर्स हैं, तो वो उसके बारे में क्यों नहीं बताया? इसे कैसे पता चला कि मैं प्रगति वर्मा के बारे में ही सोच रही हूँ? तो काफी मतलब क्या इसके पीछे रीजन है मुझे अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। तो मुझे बड़ा फेमस फील हो रहा है यार, क्या बात है, क्या बात है। ओके, तो मुझे अभी बड़ा शॉक फील हो रहा है यार कि एक्यूनेटर वगैरह कैसे काम करता है। तो बड़ा अच्छा ऐप मुझे लगा यार, एंड थैंक यू उन सबको, उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे डीएम्स भेज के बताया कि यार ये एक्यूनेटर मुझे जानता है या फिर जो भी हो, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप भी ट्राई कर लेना यार, काफी क्वारंटीन में आपका दिन कट जाएगा यार, और ये कुछ भी स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है, ठीक है। और हाँ गाइस, दो वीडियो की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं मेरे चैनल पे आजकल, जो है लिविंग लाइक डिज्नी प्रिंसेस और लिविंग ऑन बेड फॉर 24 आवर्स। तो गाइस, लिविंग लाइक डिज्नी प्रिंसेस तो अभी मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के बाद मेरे एग्जाम्स होंगे। गाइस, वैसे आपको पता है मेरे एग्जाम्स के डेट शीट आ गए हैं। ओके, तो मैं बाद में करूंगी क्योंकि मुझे ये थीम काफी सही लगा, मजेदार होगा यार ये वीडियो तो। एंड लिविंग ऑन बेड वाला वीडियो तो गाइस मैंने एक वीडियो किया है लिविंग इन रूम, तो वो काफी सिमिलर है, तो आप वो देख सकते हो क्योंकि फिर दोनों सेम सेम हो जाएगा तो कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं। एंड अगर कोई और आपके पास आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना यार। ओके, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ठीक है। और हाँ, अगर आप एक्यूनेटर खेलते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना क्योंकि काफी शॉकिंग रिजल्ट्स हैं गाइस, मुझे बड़ा मजा आया। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय गाइस। और रुको रुको गाइज, मेरे पास कुछ यूट्यूबर्स के लिए छोटा सा एक मैसेज है, तो अगर आप देख रहे हो तो सुन लो। तो मैं ये कहना ये चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी एडिटिंग या फिर थंबनेल या फिर कुछ भी पसंद आती है जो आप अपने वीडियोस में कॉपी कर लेते हो, तो आप एटलीस्ट आके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों से एज मेरी कम है, तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा टाइम लगता है उस सब चीज़ों में करने में और आपको एक सेकेंड लगता है कॉपी करने में। ओके, तो थैंक यू, यही बोलना था, एंड बाय गाइज। Oh, oh, oh.